नमस्ते। हमारे इस शो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर या फिर एक्सपोर्ट प्रेन्योर जो है उसमें आज हमने बुलाया है एक बड़े अच्छे मजेदार इंसान से, जिनकी बातें सुन के हमारे जो प्रेक्षक है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, दे विल रियली फील डिलाइटेड। हमारे हैं साथ आज जितेंद्र त्रिपाठी जी, और जितेंद्र हमारे साथ रहेंगे आज उनकी जर्नी, उनकी यात्रा, उनके समय में वो कैसे आगे बढ़े एक्सपोर्ट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। उनका बैकग्राउंड बड़ा मजेदार है, उससे हम शुरू करेंगे। जितेंद्र जी, आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, आपकी जो बैकग्राउंड है उससे हम शुरू करते हैं। आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, हमारे व्यूअर्स को ये भी जानना जरूरी है कि हम कहाँ कहाँ से कैसे एक्सपोर्ट बनते हैं, एक्सपोर्टर्स बनते हैं। सॉरी, थैंक यू मैडम। मेरा नाम जितेंद्र है। बेसिकली आई एम फ्रॉम जबलपुर, मध्य प्रदेश। एंड मैं जो इंडिया में मैक्सिमम 80% पॉपुलेशन है मिडिल क्लास की, उन्हीं में से एक हूँ। और बेसिकली मेरे मन में शुरू से बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ करना था। उसका बहुत ही कॉमन बात ये थी कि अगर आप जॉब करके कितने दिनों तक आप वो सारे सपनों को पूरा कर पाओगे। तो मुझे ऐसा था दिल में शुरू से ही था कि मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे अहमदाबाद में आने के बाद मिली। तो बेसिकली उसमें मैंने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट देखा था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग एक छोटा सा सेमिनार हो रहा है, और मैंने जस्ट ऐसे ही कि हाँ ठीक है, देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, जाके बैठ गया। और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन थी। वहाँ से मेरे करियर का, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और आज मैं अपने आप को काफ़ी लकी महसूस करता हूँ कि मैं वो जॉब वाली मेंटालिटी से हट के और एक अपना सही डिसीजन लिया सही समय में, और मैं आज यहाँ तक आ गया हूँ। जितेंद्र जी, आपने हमें एक बात जो मैं चाहती थी आप बताएं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को ये बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, पर वो बैकग्राउंड है उनका फार्मिंग का। मुझे आपने बताया था ये शो शुरू होने से पहले कि आपके फैमिली जो है वो फार्मिंग बैकग्राउंड से है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और वहां से आप यहाँ कैसे आए। थैंक यू मैडम। बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड तो वाकई में फार्मिंग वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन की फैमिली से हूँ या फैमिली में पहले छोटा मोटा बिजनेस, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और जैसे सपने एक अलग है कि दिल में सपने थे, लेकिन वो सपने पूरे सिर्फ ऐसे नहीं हो सकते, उसके लिए आपको पैसे भी चाहिए होता है। तो 90% जो लड़के सोचते हैं, मैं उनके जैसे ही जॉब के रिगार्डिंग मध्य प्रदेश से गुजरात आ गया कि जॉब मिल जाएगी अपने को, कुछ ना कुछ करेंगे अपना। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। और एक छोटा सा, मैंने बता चुका हूँ कि मैं एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेमिनार अटेंड किया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ हमें आगे बताइए कि आपने ये सेमिनार तो अटेंड कर लिया, सेमिनार से आपका लाइफ चेंजिंग सेमिनार था वो जो दिन था आपके लिए बहुत शुभ था, आपके सोचने का तरीका बदल दिया उस सेमिनार ने, उसके बाद क्या हुआ? देन बेसिकली मैडम ने सही बताया, वो दिन ऐसा था जब लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। सेमिनार अटेंड करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम लोग सोचते कितना छोटा है। हम लोग हमेशा एक छोटी सी जॉब, 50,000, 1,00,000, 10,00,000 और उसी के आसपास घूमते रह जाते हैं। अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है पूरे ग्लोबल में। और इसके बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन की। क्लासेस ज्वाइन करने के बाद 3 महीने की क्लासेस होती थी, सैटरडे संडे। क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मैंने एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मनोहर इंटरनेशनल में, 3 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, और मैंने उसको हैंड टू हैंड लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो सीखा है एक बार अगर प्रैक्टिकली कर लूँ तो वो मेरे लिए माइलस्टोन हो जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने सोचा था। 3 महीने का ट्रेनिंग के टाइम ही मेरा एक ऑर्डर कन्फर्म हो गया। एंड जो ऑर्डर था वो एक्चुअली हमारी पूरी टीम की वजह से हुआ, क्योंकि मैं एकदम स्टेज लर्निंग स्टेज में था, तो मैं सारी चीजें अपने ऊपर नहीं लेना चाहूंगा। और
पूरी टीम की वजह से ऑर्डर हुआ, और जो ऑर्डर अमाउंट था दैट्स 32 लाख रुपीज का था विद इन 3 मंथ अपनी ट्रेनिंग टाइम में था क्या एग्जैक्टली डॉलर में आया हुआ था अमाउंट। और वो अमाउंट देखने के बाद भी मैं बहुत दिनों तक सरप्राइज था कि यार जो जॉब मेंटालिटी हम लोग लेके निकलते हैं कॉलेज और ग्रेजुएशन के बाद वो रहता है 20,000-25,000 ओल अमाउंट डायरेक्ट 32 लाख रुपीज का आ गया। सो वो रियली आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स एंड वो सारी चीजें मैं आपके सामने अभी नहीं बता सकता, काफी टाइम हो चुका है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खुशियों वाला माहौल था। जितेंद्र जी ने एक बहुत सही बात की कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट, हर एक के लाइफ में ये ऐसा आता है कि कोई एक चीज ऐसी आती है, कोई एक दिन ऐसा आता है, कोई एक वाकया ऐसा आता है जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाती है। आई वुड लाइक टू एड हियर अ स्मॉल पॉइंट के हमारे लास्ट केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के शो में आई नो एक फार्मर जो फार्म में काम करता है, यंग मैन, ही केम देयर ड्यूरिंग द फार्मिंग, ही यूज्ड टू गेट सम टाइम और रेडियो पे वो सुनता रहता था और उस वजह से वो ये शो में आया था कौन बनेगा करोड़पति और उसमें से उसने इनाम जीता था। नाउ आई वुड से दैट ईच फार्मर हैज अ फैमिली टुडे हु वुड लाइक टू सेटल इन एन अर्बन एनवायरमेंट, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड इन एग्रीकल्चरल फील्ड इज द बेस्ट वन फॉर देम। एंड हमारे सामने जितेंद्र जी हैं जो जबलपुर से आए हैं यही बैकग्राउंड से, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट 32 लाख का अगर चेक मिल गया पहले ऑर्डर में तो ये बहुत ही सराहने लायक बात है, वेरी गुड। मैं एक बात आपसे जितेंद्र जी जानना चाहूंगी कि वो आपको एफर्ट लगाया जो आपने सीखा और पहला ऑर्डर मिला बहुत अच्छा आपको उसका रिवॉर्ड मिला, पर उसको कितना टाइम लगा था आपने वो मुझे जानना है हमारे व्यूअर्स के लिए। और जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ आप इसमें टोटल 3 महीने का मेरा क्लासेस था तो प्रैक्टिकल टाइम था सॉरी थ्योरेटिकल टाइम था और 3 महीने का मेरा प्रैक्टिकल टाइम था, टोटल जो मेरा टाइमिंग था दैट 6 मंथ। और इस 6 मंथ के अंदर जो मैं आपको प्रैक्टिकली शेयर करना चाह रहा हूँ विदाउट एनी हाइड एंड सी ऐसा कोई गेम के, आपको मेहनत करनी पड़ती है, फोकस होना पड़ता है और विदाउट ये दो चीज के आपका काम नहीं होगा। मुझे आज भी याद है मैं 9:30 को आ जाता था और रात में जाने का टाइम भी 9:30, कभी कभी मीटिंग होती थी हमारे सर के साथ सो 10:30 होता था और जो हमको सिखाया गया था उस चीज को करने में मैं 100% अपना टाइम और डेडिकेशन देता था, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं था। ओह वेरी गुड, नो शॉर्टकट्स, छोटा शॉर्टकट भी नहीं, लंबा शॉर्टकट भी नहीं, नो शॉर्टकट। एंड दिस इज अगेन अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, बी फोकस्ड, आपका ध्येय तय कर लो और वो बुल्स आई या फिर पोपट की आंख जो भी आप कहना चाहते हैं वो आपके दिमाग में बहुत सही तरीके से होनी चाहिए। सो बी फोकस्ड, सेकेंड थिंग इज मेहनत। आज यहाँ पे आज थोड़ा रिलैक्स कर ले, आज संडे है, यहाँ पे लंबे घंटे क्यों हो जाते हैं 9:30 से 9:30 आपके हो गए तो उसमें कोई कम घंटे होते हैं या फॉरेन कंट्रीज के कॉन्टेक्ट करने में? बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम लोग को सिखाया जाता है या फिर आप लोग कभी अगर सीखो उसमें आपको अपना टाइम इसलिए देना चाहिए बिकॉज पूरे इंटरनेशनल का टाइमिंग अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह 7 बजे से भी चालू करो तो आपके अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जापान है ऑस्ट्रेलिया ओपन हो जाता है और रात में जाओ तो 9:30 के बाद यूएसए एंड अदर कंट्रीज चालू रहती है, उनका मार्केट मॉर्निंग का रहता है। तो हमको सुबह से लेके शाम तक आपको पूरा ओपन मार्केट मिलता है, आप अपनी कैपेसिटी अपने सपने ड्रीम के हिसाब से उतना मेहनत कर सकते हो और आपको सक्सेस भी उतनी बड़ी मिलेगी। शैलेश जी आपने अपना एक्साइटमेंट बता दिया, वो 32 लाख अभी भी मेरे वो चेक घूम रहा है, बताइए आपका वो एक्सपोर्ट किस चीज का था? बेसिकली मेरा डिस्पोजेबल आइटम था, प्लास्टिक डिस्पोजेबल आइटम जिसमें कटलरी आइटम है प्लस ड्रिंकिंग स्ट्रॉज है, तो स्टार्टिंग मेरा यहाँ से था। और कौन से कंट्रीज में आपने ये एक्सपोर्ट किया? बेसिकली मैंने ये यूरोपियन कंट्री में स्पेन के अंदर पहला ऑर्डर अपना कंप्लीट किया था
और वो मेरा फर्स्ट था और इसके बाद अभी तक उसकी जर्नी चालू है कंटिन्यूअस। तो आप अभी भी कटलरी और डिस्पोजेबल आइटम्स में ही है? बेसिकली मैं अभी बताऊं तो मैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम में अभी एक्चुअली क्या है कि मैं एक्सपोर्ट करता भी हूं और दूसरों को भी करवाता हूं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो केमिकल्स, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर एंड पेपर, अदर आइटम्स में भी बहुत सारा हो चुका है, जो कि वंडरफुल था और मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ कि एवरी मंथ, एवरी टू मंथ में मैं नए नए प्रोडक्ट्स पे वर्किंग करता हूँ। तो जितेंद्र जी, आप हमें बताइए कि स्पेन आपका पहला डेस्टिनेशन था जहां से आपको ये डिस्पोजेबल का, तो अभी कौन से कंट्रीज आपने ऐड किए उसके? मैं फ्रेंकली आपको बता सकता हूँ, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और राइट नाउ अभी एक कनाडा में अपने ग्रुप के साथ मैंने एक्सपोर्ट किया। और अभी अगर मैं आज की बात बताऊं रिसेंटली, तो मुझे अफ्रीकन कंट्री से अपने ग्रुप में एक मैंने करवा चुका हूं, सक्सेसफुल उसका ऑर्डर करवा दिया है और मैं उसका अपडेट देने वाला हूं ग्रुप में सबको। सो अभी लिस्ट तो बढ़ती जा रही है कंट्रीज की। एक बात मैं यहाँ जितेंद्र जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि ये इन्होंने जैसे बोला आप सबको कि वो खुद तो एक्सपोर्ट करते हैं पर दूसरों को गाइड भी करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड वर्च्यू। हमें अगर मिशन गोल्डन बर्ड या सुनहरे दिन इंडिया के जो 1000 साल पुराने थे वो अगर हमें वापस लाने हैं, तो हमें अपने आप को नहीं, एक इंसान पढ़ा लिखा है वो दूसरों को भी पढ़ा सकता है अपने घर में या अपने मोहल्ले में। सिमिलरली जितेंद्र जी भी यही करते हैं, अपने आसपास जो यंगस्टर्स रहते हैं, मित्र रहते हैं या फिर उनके नेबर्स होते हैं, उनको भी वो ये पढ़ाते हैं कि कैसे एक्सपोर्ट करना है। ही doesn't charge anything, he's doing it out of his own philanthropy and ye shiksha jo hai wo kisi bhi amount hame jo daan dete hain paison ka, isse bahut badi vidya ki jo knowledge ki ya direction ki jo dete hain ye madad, ye bahut bada cheez kehne, I would clap for him and he is the one who is even promoting this and encouraging people, motivating them, ये बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र जी, आप हमें एक और बात बताएं कि आपने जो प्रोडक्ट्स बताई, नई नई प्रोडक्ट्स, आप कैसे कर लेते हैं नई नई प्रोडक्ट्स के, टाइम आपको इतना मिलता है? बेसिकली अगर आपको एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ, जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो या टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, आपको याद तक नहीं होता कि कौन सा गियर लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, कब चेंज हो गया और आप अपने डेस्टिनेशन में होते हो। मेरे को ये एक्सपोर्ट करते हुए 3 to 4 years हो चुका है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा है, मेरे को सारी प्रोसेस याद है और मैं सारे स्टूडेंट को वो करवा देता हूँ और मेरे लिए कॉमन जैसा ही होता है कि हाँ ठीक है, ये होता है, ऐसा हो रहा है। सो पहले जैसा नहीं है चैलेंजेस। ओके, तो इट इज नाउ इन योर ब्लड, ऐसा लगता है कि वो exactly. अभी खून में आ गया है जितेंद्र जी के, दिस बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र जी, आप आज यहाँ पे हैं, 3-4 साल से ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 5-6 साल के बाद? थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये मैं एक्चुअली क्या है कि मिशन गोल्डन वर्ड से मैं बहुत लकी महसूस करता हूँ कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और दीपक सर का या फिर दीपक मनोहर जी का बहुत अच्छा एक विजन है मिशन गोल्डन बर्ड। मैं अपने आप को किसी एक फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट पे नहीं देखता, मैं इस जर्नी में जब तक मेरा सहयोग रहेगा तब तक करता रहूंगा और ये चलता रहेगा। मैं अभी छोटी सी टीम के साथ वर्कआउट करता हूँ जिसमें 10 से 25 लोगों के बीच होते हैं, मैं इसको और बड़े से बड़ा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 100, 200 या 400 लोगों की टीम हो और जो कंटिन्यूस चलता रहे मेरे जैसे, और मेरे से 10 times या 100 times अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आगे बढ़ते रहे लड़के और मैं उनको सपोर्ट करता रहूं, यही मेरा एक 5-10 साल का एम है। तो आप अब खुद और अपने आपके माहौल के अंतर्गत जो भी हैं अपने यंगस्टर्स, उन exactly. सबको भी आप आगे लेके एक बड़ी सी टीम तैयार करना चाहते हो जो एक्सपोर्टर हो exactly, और एक दूसरे के साथ से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मिशन गोल्डन बर्ड उसी का मीनिंग होगा जब मैक्स टू मैक्स लोग इसको सीख पाएंगे, कर पाएंगे। हम बहुत
खुशकिस्मत है कि आपके जैसे लोग हमारे मिशन में जुड़े हैं। किसी को भी अगर ये मिशन में, मिशन गोल्डन बर्ड में हमारे साथ जुड़ना है तो आप, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम, एंड आप भी आ सकते हैं ये मिशन में जुड़ने के लिए। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज जितेंद्र जी? थैंक यू मैडम। अगर मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ, अब किसी भी, मैं तो एक छोटे से बिजनेस में हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, लाइफ में अगर आप लोग कोई बिजनेस करना चाहते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कोई कैरियर कहीं भी जाना चाहते हो, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं होती। र्यूमर्स या फिर अफवाहों से दूर रहो। पहला स्टेप लो, 100% सक्सेस मिलता है, जस्ट उसको 3 to 6 months तक फोकस होकर मेहनत करो, और जो भी आप कामयाबी पाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में पाना चाहते हो, आपके सामने आ जाएगा। वेरी गुड, आई एम वेरी थैंकफुल टू जितेंद्र जी, उन्होंने आज आके यहाँ हमारे साथ ये अपना अनुभव बांटा, और जो भी स्ट्रगल्स रहे होंगे इनकी लाइफ में एक्सपोर्ट के लिए लेके, पर उन्होंने आज खुशी खुशी ये फील्ड में आए हैं। ही इज मोर एक्साइटेड देन एनी वन ऑफ अस इवन टुडे आफ्टर 4 years, विच इज वेरी गुड। धन्यवाद जितेंद्र जी, एंड आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल टू प्लीज लाइक एंड कमेंट, एंड बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप सब्सक्राइब कर सके हमारी चैनल, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल में आए, एक्सपोर्टर्स आए और आपके साथ उनका अनुभव बटे। थैंक यू सो मच।